हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ गुटी अंजलि इन स्टैंडर्ड टू मैथमेटिक्स चैप्टर 11 लाइंस एंड लाइंस। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर एंड वी हैव स्टडीड अबाउट लाइंस। सो देर आर फोर लाइंस, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस। सो वी हैव स्टडीड अबाउट फोर लाइंस। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, फन विद लाइंस। Jigyasa has a clock. She can read the time written in a numbers and also the day of the week. The numbers and letters are made with a straight lines. So Jigyasa, we have given her picture also. So this is a Jigyasa and she has a clock. We have also given a picture of clock. So this is a Jigyasa and this is a clock. So in this clock, numbers and letters are written, numbers as a time and letters as a day of the week with a straight lines. Straight lines से लिखे हुए हैं जो number और letters से हम देख सकते हैं। यहाँ पे one है तो one में भी दो lines है but straight है, two में भी सारी lines straight use की गई है, three में भी, zero में भी and even th, u में भी, सब में straight line use की गई है। Jigyasa made more numbers and letters with used a matchstick. तो जिज्ञासा ने मोर नंबर्स बनाए हैं लेटर और नंबर्स को मैचस्टिक के साथ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कम मेक सम मोर। सो यहाँ पे जो जिज्ञासा है उसने जैसे ही ये नंबर और लेटर लिखे हुए थे वैसे ही नंबर और लेटर उसने मैचस्टिक से बनाया है। मैचस्टिक जो होती है वो स्ट्रेट लाइंस होती है, तो स्ट्रेट लाइन से ऐसे नंबर उसने बनाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी एंड 9 8, ये सारे जो नंबर उसने मैचस्टिक से बनाए नंबर्स और लेटर, और वो भी स्ट्रेट लाइन में बनाए हुए हैं। तो आप भी ऐसे घर पे ट्राई कर सकते हो, मैचस्टिक से कोई भी नंबर्स कोई भी लेटर्स ऐसे स्ट्रेट लाइन में बना सकते हो। सो हियर वी हैव गिवन आल्सो एक्टिविटी, कलेक्ट यूज द मैचस्टिक, हैव फन मेकिंग नंबर्स एंड लेटर विद दिस। तो आपको भी क्या करना है, जैसे जिज्ञासा ने किया था, आपको मैचस्टिक्स लेनी है और उस मैचस्टिक्स में से क्या बनाने, नंबर और लेटर्स बनाने हैं। जिस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं बनाए हुए हैं, आप ए बी सी टू जेड तक बना सकते हैं जो 26 लेटर है, और 1 to 9 नाइन्स के जो नंबर है वो भी आप यहाँ पे मैचस्टिक की मदद से बना सकते हो। तो ये जो एक्टिविटी है यू हैव टू ट्राई एट योर होम। नेक्स्ट है, इज देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विद द मैचस्टिक। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा नंबर और लेटर है जो आप मैचस्टिक के साथ नहीं बना सकते, ऐसा जो नंबर्स जैसे ए बी सी टू जेड नंबर्स है, तो ऐसे कोई नंबर है जो आप मैचस्टिक से नहीं बना सकते, या फिर कोई लेटर है ऐसा जो 1 2 3 2 9 लेटर्स है, उसमें से कोई लेटर ऐसा है जो आप मैचस्टिक से नहीं बना सकते, तो कोई भी नंबर नहीं ऐसा है। देखिए हम यहाँ पे 0 भी देख सकते हैं, 1 2 3 9 8, तो उसी तरह से हम सारे लेटर्स जो है वो मैचस्टिक से बना सकते हैं, और सॉरी नंबर्स बना सकते हैं और लेटर भी बना सकते हैं। अगर आप ट्राई करोगे ए बी सी टू जेड तक, तो कोई भी नंबर्स और लेटर सारे मैचस्टिक से बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो देयर इज नो एनी नंबर दैट वी कैन नॉट मेक विद मैचस्टिक। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे नो आंसर आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है, नाउ राइट सम नंबर्स यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। अभी आपको क्या करना है, जैसे हमने मैचस्टिक से नंबर्स और लेटर्स बनाए थे उसी तरह से आपको स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे ही मैचस्टिक्स में बनते हैं वैसे ही हम स्ट्रेट लाइन की मदद से नंबर्स और लेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर है 1, तो 1 को हम कैसे स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे, तो हम ऐसे बना सकते हैं उसको, ये भी स्ट्रेट लाइन हुई, देन दिस वन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन इज ऑल्सो, तो 1 ये स्ट्रेट लाइन से 1 बन गया। वैसे ही हम 2 को भी बना सकते हैं ऐसे, ये हम 2 बना दिया स्ट्रेट लाइन से, देन वी कैन ऑल्सो मेक 3 विथ स्ट्रेट लाइन्स, ये 3 भी स्ट्रेट लाइन से बन गया, 4 भी बन जाएगा उसी तरह से। तो सारे जो ऐसे नंबर्स है वो हम स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं, जो आपको पूरे बनाने हैं, 5 देन 6 7 8 8 को भी हम स्ट्रेट लाइन से ऐसे बना सकते हैं, देन 9 और उसी तरह से 10।
तो आपको ये सारे जो ऐसे नंबर्स है वो स्ट्रेट लाइन से बनाना है, उसी तरह से आपको लेटर्स भी बनाने हैं, जैसे कि ए, तो ए भी हम स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं ऐसे, बी को भी हम स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं, सी को भी, डी को भी इस तरह से बना सकते हैं, ई को भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे सारे नंबर्स और लेटर्स जो है उनको अपनी नोटबुक में बना देने हैं। लेटर्स जो 26 लेटर है ए टू जेड, और जो नंबर्स है 1 to 10, उसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में बना देना है। ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, व्हाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स, विच वन आर इजी। तो जैसे ही हमने नंबर्स बनाए उसी तरह आपको लेटर्स भी हमने देखे, तो लेटर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम उनको भी लिख सकते हैं। उसमें से विच वन आर इजी, सबसे इजी लेटर कौन सा होगा स्ट्रेट लाइन्स के बनाना होगा, तो हम देख सकते हैं जैसे ए बी सी टू जेड तक जो लेटर्स है उसमें से स्ट्रेट लाइन में आता हो ऐसा कौन सा लेटर है, तो आई, जो आई लेटर है वो हम इजी बना सकते हैं। वैसे ही आपको जो भी इजी लगता है वो आप लिख सकते हो, तो जो आई लेटर होगा वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन से बनाना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम उसको आई, तो उसी को इसी तरह बना सकते हैं, तो इट्स इजी। तो यहाँ पे जैसे नंबर्स 1 to 10 लिखने हैं, इसमें आपको ए टू जेड लेटर्स लिखने हैं, एंड विच वन आर इजी, तो जो आपको इजी लगता हो जैसे कि आई, आपको यहाँ पे लिखना है आई इज इजी लेटर। द नेक्स्ट एक्टिविटी है, फाइंड आउट वेयर एल्स नंबर्स एंड लेटर्स आर रिटन विथ अ स्ट्रेट लाइन्स। अभी आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स और लेटर जो स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए थे, यहाँ पे हमने आगे तो देखा कि नंबर्स और लेटर हमने स्ट्रेट लाइन से लिखे, लेकिन ऐसी कौन सी जगह पे है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन से नंबर और लेटर लिखे हुए होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी जगह है। जैसे हम कोई साइन बोर्ड्स देखते हैं तो वहाँ पे नंबर्स लिखे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए हो, तो उसमें कई लेटर्स और नंबर्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए होते हैं, तो हम वो देख सकते हैं। आप ऐसी कौन कौन सी जगह है वो आपको खुद को फाइंड करके देखना है कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन में नंबर्स और लेटर लिखे होते हैं, ये भी एक जस्ट एन एक्टिविटी है। नेक्स्ट है डांसिंग लाइन्स। रेम्या शो अ ट्रैफिक पुलिसमैन गिविंग अ डायरेक्शन टू व्हीकल्स। तो जो एक गर्ल है रेम्या, उसने ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा, जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है जो वो गिविंग अ डायरेक्शन टू व्हीकल, वो क्या करता है, जो व्हीकल्स होते हैं उनको डायरेक्शन देता है कि कभी समटाइम्स स्टॉप, वो जो डायरेक्शन होता है वो देता है। सो डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन समटाइम मेक्स अ कर्व्ड लाइन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसने स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, जो अपने दोनों हैंड है वो उसने स्ट्रेट करके वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है व्हीकल को मूव करने के। सो डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन समटाइम मेक कर्व्ड लाइन्स, वो क्या कभी कर्व्ड लाइन से इंस्ट्रक्शन देता है जो ट्रैफिक पुलिसमैन है, या तो समटाइम वो टू गो फॉर गो व्हीकल ही इंस्ट्रक्ट इन द कर्व्ड लाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस ही समटाइम गिव्स अ कर्व्ड लाइन ऑल्सो। रेम्या ट्राइड टू एक्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन, शी मेड अ मैनी स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन्स, इट वॉज फन, इट लुक्ड लाइक अ डांस। सो अभी रेम्या जो है उसने क्या किया, जैसे उसने ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा उसकी तरह उसने क्या किया, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन से बनाना शुरू किया जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शन देता है। इट वॉज फन, इट लुक्ड लाइक अ डांस, तो वो कैसा लग रहा था, डांस जैसा लग रहा था जो रेम्या है, फिर वो ट्रैफिक पुलिसमैन को यहाँ पे कॉपी करती है। नेक्स्ट है ट्राई द डांस स्टेप गिवन बिलो एंड एंजॉय लाइक अ रेम्या। सो आपको अभी यहाँ पे देखिए हमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं डांस के, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका जो वन हैंड है वो ऐसे ऊपर है, एक यहाँ पे है, दोनों यहाँ पे ऊपर है, उसके जो पैर है उसकी डायरेक्शन भी अलग है। उस तरह से हमें यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए हुए हैं डांस की। ये जो डांस है वो क्या, उसे कौन सा डांस कहते हैं, भरतनाट्यम। ये डांस के जो मूवमेंट है वो भरतनाट्यम है, जो उड़ीसा और वो सब में वहां पे किए जाते हैं ये डांस। सो यहाँ पे ये जो है वो सिर्फ लुक एट हिज आर्म्स, दे लुक लाइक स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन्स। हम अगर उसके अंग को देखें तो वो किस तरह से है स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में, तो उस तरह की मूवमेंट है ये, जस्ट एन एक्टिविटी है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिजाइन विथ डॉट्स, ज्वाइन द डॉट्स विथ कर्व और स्ट्रेट लाइन्स, मेक योर ओन डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए हमें एक डॉट्स जो सारे दिए हो उसमें आपको ज्वाइन करके डिजाइन बनानी है। जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट बनाई हुई है फिश की डिजाइन है, ये देखिए ये दोनों डॉट, ये और ये सारे डॉट को मिलाकर क्या बनाया है, फिश की एक डिजाइन बनाई हुई है। तो आपको भी इसी तरह से जो सारे डॉट्स है उसमें आपकी कोई भी डिजाइन बनानी है जो भी बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एज ए एग्जाम्पल फिश की दी हुई है, फिर यहाँ पे एज अ
लीव्स की दी हुई है, यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी उस सॉरी डिजाइन दी हुई है, तो उस सारे डॉट में आपको अपनी तरफ से कोई भी डिजाइन बनाना है। डॉट को जोड़कर जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये डॉट को जोड़कर एक फिश की पिक्चर बनाई है, उसी तरह से आपको कोई भी डॉट की डिजाइन बनानी है। तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में खुद से कर देना है, कोई भी जो भी डिजाइन बनानी है आपको वो डॉट्स ज्वाइन कर कर आप बना सकते हो। नेक्स्ट है लाइंस इन अ पिक्चर्स। नैन्सी सो दिस पिक्चर्स मेड बाय फोल्क आर्टिस्ट। सो नैन्सी जो है उसने एक पिक्चर्स देखी है जो फोल्क आर्टिस्ट ने बनाई है। लुक फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स कर्व्ड स्टैंडिंग स्लैंटिंग एंड स्लिपिंग। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स हमें दिखाई गई है वो किसने बनाई है, एक फोल्क आर्टिस्ट ने बनाई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक ट्री का है, ये काट का है, फिर यहाँ पे जो गर्ल्स है वो आर डांसिंग लाइक पिक्चर्स है, यहाँ पे एक डॉग की पिक्चर है, स्नैक की है, एक गर्ल है जो उसको खाना खिला रही है, फिर यहाँ पे एक जो कोई भी पर्सन है उसको वो क्या कर रहा है कुछ बजा रहा है, यहाँ पे भी वो है जो कुछ बजा रहा है। तो इस तरह के हमें एक फोल्क आर्टिस्ट ने एक पिक्चर्स बनाई है। तो उसमें क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी लाइन यूज की गई है, ये स्ट्रेट लाइन्स है, फिर ये स्टैंडिंग लाइन्स है, ये कर्व्ड लाइन्स है, उसी तरह से स्लीपिंग लाइन भी ये जो है वो स्लीपिंग लाइन्स है। तो अलग अलग डिफरेंट लाइन्स को यूज करके ये पूरा पिक्चर बनाया हुआ है जिसमें स्ट्रेट लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, कर्व्ड लाइन है एंड स्लीपिंग लाइन्स है। सो यूजिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन यहाँ पे एक पिक्चर्स बनाई हुई है जो आपको देखनी है उसमें कौन कौन सी लाइन्स बनी हुई है। नेक्स्ट है, ये भी एक जस्ट एन एक्टिविटी है, ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स लाइक दिस। तो यहाँ पे जो अलग अलग लाइन्स को यूज करके पिक्चर बनाई हुई है आपको यहाँ पे भी क्या करना है, एक पिक्चर बनानी है अलग अलग लाइन्स से यूज करके, कर्व्ड लाइन्स, स्लैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंडिंग लाइन्स, जो सारी लाइन्स होती है उनको यूज करके आपको यहाँ पे पिक्चर्स बनानी है। कोई भी पिक्चर से आप यहाँ पे बना सकते हो, ऐसी जो भी आपको बनानी हो, जैसे कि फिश की हमने आगे देखा था तो आप वो सब लाइन्स यूज करके बना सकते हो, कर्व्ड लाइन बनाकर कोई बॉल, कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये भी एक्टिविटी है जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कर देनी है खुद से। सो हियर अवर चैप्टर 11 लाइन्स एंड लाइन्स इज ओवर, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट लाइन्स। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन्स आर देयर, तो किस 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 टाइप की लाइन्स होती है। सो कर्व्ड लाइन, यहाँ पे हमने जो सारी लाइन्स के बारे में देखा है, कर्व्ड, स्टैंडिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स है ना, स्लीपिंग लाइन्स, तो ये जो लाइन्स है उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ाया। तो दीज आर टाइप ऑफ लाइन्स। सो इन यहाँ पे जो भी हमने एक्टिविटी देखी वो आपको ट्राई करनी है और जो भी क्वेश्चन थे वो आपको लिख देना है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।